ऐसे कई लोग जो वहाँ पर पहुँचे हुए थे सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, जम्मू कश्मीर आसाम से लेकर के जितने भी प्रांत भारत के सारे लोग जो वहाँ पहुँच करके जो है अपने धार्मिक अधिकारों के लिए, अपने नागरिक अधिकारों के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है एक बहुत बड़ी जंग आर्य समाज के नेतृत्व में लड़ी गई थी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष थे उस समय स्वामी नारायण स्वामी जी, वो जब थे के पहले कमांडर थे, उनके नेतृत्व से लड़ाई शुरू हुई थी और हजारों हजारों लोगों ने अपनी वहाँ पर जो है लड़ाई में जो जेलों में जा करके कई लोग जो शहीद भी हो गए, सब कुछ जो है त्याग तपस्या के बल पर जो है आर्य समाज की उस लड़ाई को हमने जीता था। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सब लोग का आभार प्रकट करना चाहता हूँ आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश तेलंगाना की ओर से, कि 2008 के सम्मेलन में भी हरियाणा से कई जो है महानुभाव पधारे और भी जो अभी जो सम्मेलन हुआ था फरवरी में, उसमें भी जो है जींद से और हरियाणा के प्रांत से, हरियाणा प्रांत से कई महानुभाव वहाँ पर पहुँचे हैदराबाद, इसलिए मैं आप सबका जो है आभार प्रकट करता हूँ। आप सब लोगों की वजह से वो सम्मेलन सफल हुआ। मैं इस अवसर पर आप लोगों को खास करके जो साधुवाद देना चाहता हूँ कि स्वामी जी के आह्वान पर आप लोग इतनी बड़ी संख्या पर यहाँ पर उपस्थित हुए। स्वामी दयानंद की बात को लगभग 140 साल के बाद में भी हम बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस बात की आवश्यकता पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं। हम ज्यादा जोर इसीलिए भी देना चाहते हैं कि कुछ मित्रों ने अभी भी कहा कि भारत को आजाद होकर के लगभग 70 साल होने के बावजूद भी अभी भी इस समाज में जिन आकांक्षाओं को लेकर के, जिस बात को लेकर के, जिस विचार को लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्रांतिकारी परिवर्तन की बात रखी थी हमारे सामने, उनके सपनों का देश, उनके सपनों का समाज हम बनाना चाहते हैं। वेद के आधार पर भारतीय संस्कृति की जितनी भी बातें हैं उन परंपराओं को कायम रखते हुए एक आदर्श समाज, एक अच्छा वैचारिक समाज जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव एक दूसरे के बीच में न हो, न आदमियों के बीच हो, न औरत मर्द के बीच में हो, न समाज के किसी वर्ग दूसरे वर्ग के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आजादी की लड़ाई में जैसे पट्टाभि सीतारामायण ने अपने कांग्रेस के पूरे इतिहास को लिखते समय उन्होंने एक बात जो दर्ज की इतिहास में कि इस देश को आजाद कराने के लिए आर्य समाज से प्रेरित होकर कई नौजवान साथी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां है और भी नौजवान साथी है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह है और उनकी टोली है, इन सभी लोगों ने आर्य समाज से महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के अपने आप को शहीद कर गए। अपने आप को शहीद करके देश को आजाद कराने के लिए लाखों लाखों लोगों के बीच में प्रेरणा के स्रोत बने, जूते पहने रहेंगे नौजवानों को प्रेरणा के स्रोत बने रहे। आर्य समाज का हर कार्यकर्ता, चाहे वो पढ़ा लिखा रहा हो या कम पढ़ा लिखा रहा हो या अनपढ़ रहा हो, लेकिन आर्य समाज ने ऐसी राष्ट्रीय भावना भर दी थी कि उस भावना के तहत में हर आदमी जहां कहीं पर भी है वो आजादी के आंदोलन में अपने आप को एक सिपाही मान करके समर्पित कर गया, जिसकी वजह से हमें आजादी मिली। उस सारी आजादी के आंदोलन के पीछे एक ही भावना थी, एक ही भावना थी कि गुलामी से छुटकारा पाने के बाद में हमारा यह देश स्वर्णमय देश बनेगा, हमारा यह देश वैदिक मान्यताओं के आधार पर एक अच्छा संस्कारित समाज बनेगा, हमारे देश में गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो पट जाएगी, हमारे इस देश से जो है जातिवाद की भावना मिट करके सारे लोग मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे, हमारे इस देश से जो है अंधविश्वास मिट जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कठोर से कठोर जो है प्रहार किया है अंधविश्वास के ऊपर। और दुखद बात है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता, पंडित, विद्वान, सन्यासी, साधु सारे लोग जो पाखंड के खिलाफ में पिछले 140 साल से जो लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ खाना पड़ रहा है कि आज राजनीतिक नेता इस पाखंड को बढ़ावा देने में पहली पंक्ति में खड़े हैं, पहली पंक्ति में खड़े हैं।
मैं अपनी बात भी कहना चाहता हूं, मैं यहाँ के लोगों की नहीं, हरियाणा की नहीं, पंजाब की नहीं, राजस्थान की नहीं, मैं अपने प्रांत की बात भी कहना चाहता हूं। बढ़ावा दे रहा इन सबके बीच में एक बात और मैं खास करके बोल के बिल्कुल संक्षिप्त में समाप्त करना चाहता हूं। मैं स्वामी जी महोदय के साथ में जो है और हमारे सारे मित्र मिलकर के इस बीच में अमेरिका को चले गए। ठीक है, नाम के लिए हमारे वहां पर सम्मेलन था, आर्य वायु बंधु मिलेंगे, लेकिन अमेरिका के सारे समाज को अध्ययन करना मेरा एक लक्ष्य था। मैं एक बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, जिन बातों को लेकर के, जिन मान्यताओं को लेकर के, जिसे हम यम और नियम कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, समाज एक उन्नत समाज बनने के लिए व्यक्ति निर्माण एक ओर होता है, समाज की व्यवस्था दूसरी ओर होती है। अगर व्यक्ति के चरित्र को हम नहीं बनाते हैं, तराशते नहीं है, उसको बढ़ावा नहीं देते हैं, तो व्यक्ति जो है आध्यात्मवादी बन नहीं सकता, चाहे वो कितने कठोर से कठोर रूप में जो है नियमों का पालन कर ले। वहां पर लोग सत्य का पालन करते हैं, वहां पर लोग कानून को नहीं तोड़ते हैं, वहां पर लोग किसी और की जिंदगी में झांक करके नहीं देखते हैं, वहां आमतौर पर जो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन जितने प्रेम से प्यार से पशुओं को पक्षियों को पालन पोषण करते हैं, आखिर में जाकर उसको काट काट करके खा जाते हैं। यह समाज है, उस समाज में अंतर विरोध है, एक और अहिंसा का पालन करते हैं, करुणा दया सब कुछ दिखाते हैं, आदमी से भी ज्यादा भी जो है पशुओं के पालन पोषण पर ध्यान देते हैं, लेकिन आखिर में परिणाम यही है कि उस पशु पक्षी को खा जाते हैं। मांसाहारी मांसाहार का प्रचार उस समाज में, एक और सत्य का पालन करते हैं, अपरिग्रह है, वहां पर जो कोई संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद में भी जीवन में एक ऐसा जो है बदलाव उनके अंदर है, एक ऐसा जो है दृष्टिकोण भी है कि जीवन निराशा में हो जाता है, निराशा में हो जाता है, अंत में जाकर उस निराशा के तहत में जो है फायरिंग करने पर उतार हो जाते हैं। आपने पढ़ा है अभी अभी ऐसे ही सभाएं हो रही है, या कोई जो क्लब है, कोई डांस हो रहा है, वहां पर कोई जो निराश आदमी जीवन से फायरिंग कर देता है, 10, 20, 25, 50 की मौत को घाट उतार देता है। उसका एकमात्र कारण है सब कुछ सुविधाओं के होने के बाद भी उनका जीवन भौतिकवादी होते जा रहा है। और उसका उदाहरण हम लेते हैं, आज भारत समाज जो अध्यात्मवादी होना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, ऊंचे विचारों को जीवन में ढालना चाहिए, इन सबको ताक पर रख करके हम भी भौतिकवादी होते जा रहे हैं रोज रोज। ये पाखंडी की बात जो हमने आपके सामने कही है ना, ये पूरा भौतिकवादी है। किसी मंदिर में जाइए, किसी कोई मस्जिद में जा रहा होगा, कोई नमाज कर रहा होगा, लेकिन जिंदगी जब तक आध्यात्मवादी के बजाय भौतिकवादी बनी रहेगी, भोगवादी बनी रहेगी, वह आपाधापी से जूझते रहेगी, आपाधापी से जूझते रहेगी, कहीं पर भी सुख और शांति नहीं बसती। आज पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है, अंतर विरोध है, शांति की खोज पर निकले हैं। यूनाइटेड नेशंस भी शांति की बात करता है, अंदर से शांति जब तक पैदा नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं खास करके जो है एक बात और उदाहरण देकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। इस बीच में हैदराबाद में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिस पर हमारी सरकार लगभग 50 करोड़ रुपया खर्च कर रही, 50 करोड़ रुपया, उसको ग्लोबल समिट कहते हैं। उस ग्लोबल समिट में ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप जो हैदराबाद आई हुई थी, और उस इवांका ट्रंप के स्वागत के लिए सारा हैदराबाद सजाया गया, लेकिन उन्होंने एक बात को छोड़कर के केवल एक ही एक बात अच्छी की है कि सारे इसमें जो है वो ठीक है बिजनेस के लिए किया उन्होंने, पूरी भौतिकवादी जीवन को और आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर जोर देने के लिए 50 करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन एक बात थोड़ी सी अच्छी जो की उन्होंने, वो इतनी बात थी
कि कम से कम महिलाओं को आगे पंक्ति में रखा जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां पर खास करके जो मेरी बेटियां यहां पर है, माताएं यहां पर है, मैं हरियाणा की धरती पर, उसलिए हरियाणा की बात करता हूं, देश भर में यह समस्या है। कन्या भ्रूण हत्या एक महापाप है, एक ऐसा पाप है, ऐसा पाप है जो समाज को जोड़ता नहीं, समाज को तोड़ता है, देश को तोड़ता है, परिवारों को तोड़ता है। आखिर इस सृष्टि का आदि तो जो है मातृशक्ति है। बिना माता के क्या सृष्टि आगे बढ़ सकती है? क्या बिना माता के हम ये जो पुरुष लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इनका अस्तित्व संभव था या रहेगा आगे? इसलिए मैं मेरे भाइयों से, पुरुष महोदयों के साथ साथ मेरी माताओं से प्रार्थना करता हूं, अपनी सोच के अंदर थोड़ा सा बदलाव लाइए। स्वामी दयानंद एक महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने कई बातें हमारे सामने रखी है, लेकिन जब तक मेरी बेटियों को यह बचाया नहीं जाएगा, मेरी बेटियों को जब तक पूरा हक नहीं मिलेगा, मेरी बेटियों को समानता के लिए जो जितना प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, उनको जो है पैदा होते ही मारते की जो सोच है, उस सोच को जो है आप नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस समाज में चाहे आप कितने हवन कर लीजिए, कितने मंदिर जाइए, कितने नमाज पढ़ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। समाज में एक बदलाव चाहिए, और उस बदलाव के पुरोधा थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहले जब भारत देश में कन्याओं के पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय आर्य समाज ने इन कन्याओं के जो पाठशालाओं को प्रारंभ किया, गुरुकुलों को नरेंद्र इसको ऐसे एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया। मैं चाहता हूं कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ में एक आवाज उठे, घर घर से आवाज उठे और इसकी रक्षा हो, तभी जा करके देश और समाज आगे बढ़ सकता है। इस बात को मैं रखते हुए मुझे ये अवसर दिया गया। मैं समझ रहा था कि स्वामी वो रामवीर जी मुझे भूल गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं भूला, आप ही नहीं आए। मैं चाहता हूँ इस बार जो है मैं आ गया और भी दूसरे जो काम थे इसमें स्वामी जी के कहने पर आ गया, लेकिन इससे पहले जब कभी मैं नहीं आया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, आप सब लोगों की क्षमा चाहूंगा। आप एक बहुत बड़ा आयोजन आपने किया है, लोगों के अंदर एक विचार परिवर्तन के लिए जो हर साल इस आयोजन को आप करते हैं, आप सब लोगों का करते हुए सहयोग देना, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा भी आप कार्य की जो प्रशंसा करते हुए, ये कार्य चलते रहे, ये आंदोलन चलते रहे, इसके लिए सार्वदेशिक सभा ने भी हमारे पूजनीय प्रधान जी यशस्वी प्रधान जी स्वामी आर्यवीर जी, हमारे अंतरंग सदस्य भी यहाँ पर हैं, प्रोफेसर श्वेता सिंह जी भी हैं, गिरजानंद जी भी हैं, स्वामी ओमवीर जी भी यहाँ पर हैं, शास्त्री जी भी यहाँ पर हैं। मैं सबकी अनुमति से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से 51,000 रुपये दान की घोषणा करता हूँ। 51,000 रुपये काम चलता रहे, आप लोगों को आशीर्वाद देता है। धन्यवाद।